हेलो। और कैसा है भाई? एकदम बढ़िया, तू सुना? मैं भी मस्त। तेरा लास्ट वीडियो देखने के बाद मैंने काफी सारे गानों के टाइम सिग्नेचर निकाले। क्या बात है, आखिरी सिग्नेचर कौन सा निकाला तूने? 13/4 पे था वो। हैं? तू कब से क्लासिकल गाने सुनने लग गया? क्लासिकल नहीं, काफी फेमस बॉलीवुड ट्रैक है। बॉलीवुड ट्रैक, और वो भी 13/4 पे? कौन सा गाना सुन लिया भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। Hey guys, I'm Vasudev, और आप देख रहे हैं Mixed with Vasudev। So, काफी टाइम बाद ये शर्ट पहनी मैंने, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि सबसे पहला वीडियो कौन सा था जिसके अंदर मैंने ये शर्ट पहनी थी। सिर्फ वही लोग जो चैनल से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ही पता होगा। तो फटाफट मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं जिन्होंने प्रोफेशनली नहीं सीखा। इसके अलावा मुझे बहुत सारे DMs भी आ चुके हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो मैंने सोचा इसको फाइनली डिस्कस करते हैं, बिकॉज बहुत ही छोटा सा टॉपिक है येट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने ट्रैक की लाउडनेस बढ़ा सकते हैं बिना उसको क्लिप करवाए, बिना उसका लेवल बढ़ाए, यानी कि गेन को सेम रखते हुए कैसे हम उसकी इंटेंसिटी, कैसे हम उसका पंच, कैसे हम उसका ओवरऑल लेवल बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये बोला था ना जो ट्रैक डाला था मैंने जिसमें 47 ने रैप किया था, ये उसका मिक्स ट्रैक है। और ये प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली एक EQ, एक कंप्रेसर और लिमिटर डाला है अपनी मास्टर चेन में। मास्टरिंग में ऑब्वियसली बहुत सारे प्लगइन्स यूज होते हैं जैसे कि मैक्सिमाइजर, मल्टीप्रेसर, और ऑलरेडी मास्टरिंग के ऊपर मैंने काफी वीडियोस डाले हैं, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको मास्टरिंग सीखनी है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने मिक्स को लाउड साउंड करवा सकते हो, कैसे उसकी लाउडनेस बढ़ा सकते हो बिना उसको क्लिप करवाए। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं इन प्लगइन्स को ऑफ करता हूं एक्सेप्ट द मल्टीमीटर, क्योंकि मल्टीमीटर एक मीटरिंग टूल है, ये आपकी साउंड को नहीं चेंज करता। मैं ट्रैक को प्ले करूंगा एंड ट्राई टू ऑब्जर्व LUFS में क्या रीडिंग दिखा रहा है, ट्राई टू ऑब्जर्व पीक में क्या दिखा रहा है, और ट्राई टू ऑब्जर्व RMS में क्या दिखा रहा है, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी LUFS रीडिंग है दैट इज अराउंड -16। अगर हम बात करें पीक रीडिंग की, तो पीक रीडिंग हमारी जा रही है -2 से लगभग -4 के आसपास, यानी कि -2 dB से 4 dB तक हमारी पीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आपकी पीक दिख रही है मास्टर चैनल पे। और RMS रीडिंग जो है दैट इज -17.3। तो काफी सारे लोगों को पता होगा कि LUFS क्या होता है, बिकॉज मैंने इसकी भी बात की हुई है पुराने वीडियोज में। अभी के लिए आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि LUFS जो है वो आपके ट्रैक की लाउडनेस दिखाने का एक दूसरा यूनिट है जो कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज रीड करती है, और इसका फुल फॉर्म है लाउडनेस यूनिट रिलेटिव टू फुल स्केल। यहीं पे अगर हम बात करें पीक की, तो पीक बताता है कि एट द मोमेंट उस इंस्टेंस पे आपका जो हाईएस्ट लेवल है वो कितना है। तो लॉजिकली अगर आप लोग सोचो, तो काफी लोग इस गलत फहमी में है कि जो भी उनके गाने की पीक होती है उन्हें लगता है कि वो लाउडनेस है। जस्ट इमेजिन कि आपके गाने में अगर एक ड्रॉप आता है और उसके लिए एकदम से एक बूम करके इम्पैक्ट डालते हो आप, या कोई भी आप किक यूज करते हो, कोई भी आप ट्रांजिएंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो जिसकी पीक बहुत शार्प है, तो ये उसकी रीडिंग बताएगा। बट क्या उसका मतलब ये है कि आपका ट्रैक लाउड है? नहीं। तो लाउडनेस जो होती है, लाउडनेस देखी जाती है इस मीटर से जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज RMS। तो अगेन RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, बट इसकी टेक्निकल डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं इस वीडियो में, मैं आपको बेसिक प्रैक्टिकल मतलब बताता हूँ इसका। तो आप लोग इसको इस तरह से देख सकते हो कि ये एवरेज है, यानी कि जो आपके लोअर पार्ट है गाने में और जो हाइएस्ट पार्ट है उनका जो एवरेज है ये वो दिखाता है। तो फिलहाल जो एवरेज है दैट इज अराउंड -17, जो कि बहुत ही वीक है। तो सिंपली जब भी आपका RMS कम हो, सिंपली आपका एवरेज जब भी कम हो, तो समझ जाओ कि आपके जो ट्रैक है उसके डायनेमिक्स काफी लूज है, यानी कि जो लोअर पार्ट्स हैं आपके ट्रैक में और जो हाईएस्ट पार्ट्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है और उसको कम करने की जरूरत पड़ती है। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि उसको कम करने के सिर्फ दो ही वेज है, पहला है कंप्रेशन और दूसरा है लिमिटिंग। तभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने EQ, कंप्रेसर और लिमिटर डाला है। पहला EQ जो है वो बेसिकली सिर्फ टोन शेप अप कर रहा है, सेकेंड कंप्रेसर जो है ये बेसिकली कलर डाल रहा है आपकी साउंड में, थोड़ी सी शार्पनेस डाल रहा है, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर कंप्रेसर है ये फोकसराइट का एक रेड कंप्रेसर आता है उसका एम्यूलेशन है जो कि क्लैरिटी के लिए फेमस है।
और थर्ड प्लगइन जो मैंने डाला है यानी कि सेकंड कंप्रेसर वो है स्टूडियो एफईटी लॉजिक का। ये वाला जो है पर्टिकुलर ये आपका जो LA2A आता है उसका एमुलेशन है। इसको मैंने गेन रिडक्शन के लिए यूज किया है जो हमारा RMS बढ़ाएगा। और लास्ट में मैंने डाला है एक बेसिक अडैप्टिव लिमिटर जो आपकी पीक को संभालेगा, आउट सीलिंग को संभालेगा, एट द सेम टाइम गेन बूस्ट किया हुआ है सो दैट आपका जो RMS है उसको भी एक बूस्ट मिले। मैं ट्रैक को प्ले करता हूं और एक एक करके प्लगइन्स को ऑन करूंगा एंड वील ऑब्जर्व कि RMS में क्या चेंज आता है। के सामने फटेगा बोला था ना मैं ढकता नहीं ढकता नहीं ढकता नहीं तुझे बोला था ना हाथ धोता नहीं धोता नहीं धोता नहीं कहने को हम भाई तेरे जिगरी फीलिंग आती है बापो की मल। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। आई एम प्रीटी श्योर अभी भी काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि लाउडनेस बढ़ी है इस ट्रैक की। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हार्डली 2-3 decibels बढ़ी है आपकी पीक, लेकिन अगर आप RMS वैल्यू पे ध्यान दो तो ऑलमोस्ट 8-9 dBs बढ़ चुका है आपका RMS। तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ आया होगा कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में देखने की जरूरत है अपने ट्रैक्स को लाउड बनाने के लिए। तो अगली बार जब भी आप मास्टर करें अपने ट्रैक को तो प्लीज जो आपका पीक है पीक से ज्यादा RMS पे ध्यान दे, बिकॉज RMS जो है एक तरह से वो एवरेज लाउडनेस है, एक तरह से वो डेंसिटी आपके ट्रैक की। आप कुछ इस तरह से देख सकते हो कि पीक आपको बताता है कि आपका पर्टिकुलर पार्ट कैसा है और RMS आपको बताता है कि आपका ओवरऑल ट्रैक कैसा है। सो जहां तक मैंने सुना है जो यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक होता है, जो पॉप सॉन्ग्स होते हैं, उनका जो RMS होता है दैट इज अराउंड -6, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज इन दी एंड हम सब लोग जानते हैं कि लाउडनेस तो जरूरी है लेकिन लाउडनेस से ज्यादा आपके डायनेमिक्स और आपकी फील भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि लाउडनेस के पीछे आप एकदम ही अपनी डायनेमिक स्केल कर दो, तो उसका भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। तो अगर आप लोग इसका फाइनल ट्रैक सुनना चाहते हैं तो इस ट्रैक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर इसमें रैप वोकल्स जो आते हैं उनको मैंने मिक्स करके दिखाया है, तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो अगर आप लोगों ने इसका फुल सॉन्ग नहीं सुना तो प्लीज जाके सुने सो दैट आपको पता चले कि जब ये ट्रैक यूट्यूब पे रिलीज होता है तो इसकी साउंड में कितना चेंज आता है। इसके अलावा अगर आप लोग फुल ट्रैक सुनने जा ही रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट देयर, वहां पे जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोग कहां से आए हैं। इसको मैं फटाफट एक बार प्ले करता हूं और इन प्लगइन्स को म्यूट अनम्यूट करूंगा सो दैट आप लोगों को डिफरेंस समझ आए कि नॉट जस्ट लाउडनेस पे फर्क पड़ा है बट इवन आपके ट्रैक की डायनेमिक्स भी चेंज हुए हैं, और उसकी रेफरेंस के लिए आप लोग इन मीटर्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। बापो की मल हाथों को घर जम से फ्री बॉटल पकड़िए साबुन की ठीक है डकल तू बाजू से सांसे भर सिर्फ मास्क में बात करे तू होके अप क्लोज बनना दूरी खींच हाथों से। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और अगर आप लोग अच्छी मॉनिटरिंग डिवाइस पे सुन रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि नॉट जस्ट आपकी वॉल्यूम अप हुई है, नॉट जस्ट आपका लेवल अप हुआ है, बल्कि इवन क्लैरिटी बढ़ी है एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमें ट्रैक और ज्यादा क्लीन और पंची लग रहा है। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस, आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।